अब इसका जो सही जवाब है ही हैज डिस्कस, तो डिस्कस के साथ जो हमारा होगा ना वो नन ऑफ देम होगा। ठीक है, ये डिस्कस ऐसा वर्ब है, ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते। अगर इस तरह लगाते हैं आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स, तो डिस्कस विद माई फ्रेंड। अगर आप कहते हैं डिस्कस द मैटर, तो यहाँ डिस्कस के डायरेक्टली बाद मैटर आ रहा है। ये देखिए ये पूरा सेंटेंस है, आई डिस्कस द मैटर, तो अगर किसके साथ करते हैं डिस्कस तो फिर यहाँ पे विद आएगा। थोड़ा सा समझें, आराम आराम से, जल्दी नहीं है क्योंकि काफी बच्चे रह जाते हैं। अब डिस्कस द मैटर तो फिर आप कहते हैं विद माय फ्रेंड्स, यहां तक तो ठीक है, लेकिन डिस्कस के बाद डायरेक्टली अगर आप मैटर की बात करते हैं तो यहाँ पे नन ऑफ, ही हैज डिस्कस द मैटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे लेके चलेंगे कि किसके साथ डिस्कस किया, दोस्तों के साथ, तो फिर आप विद लगा सकते हैं, विद माय फ्रेंड्स। आई विल डिस्कस इशू प्रॉब्लम्स या मैटर, आप इशू लगा सकते हैं, प्रॉब्लम लगा सकते हैं, मैटर लगा सकते हैं, तो किसी के साथ करते हैं तो आप यहाँ विद लगाएंगे, विद यू टुमारो। वीडियो को ऑफ रखा करें, वीडियो को ऑफ रखा करें, ठीक है, तो आप लोगों का ही फायदा होगा ना, वीडियो को ऑन रखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि हमारा फोकस होगा इसी चीज पे ना। चलें, अब हम आते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं, एक सेंटेंस में और बनाता हूं, तो काफी जो बच्चे गलती करते हैं इसी के साथ। इट इज रियली वेस्टेज ऑफ टाइम टू टॉक टू यू। अब आप मुझे बताएं ये सही है या गलत है। शाबाश, इट इज रियली वेस्टेज ऑफ टाइम टू टॉक टू यू, सही है या गलत है भाई? शाबाश, हरी अप। अब देखें ये सेंटेंस आप लोगों को नहीं आ रहा, और ये नॉर्मली हम कहते हैं कि इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, हालांकि ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। और नॉर्मली हम गलत सेंटेंसेस लिखते हैं, बोलते हैं और बात करते हैं। अब सारे कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे कह रहे हैं कि ये सही है। ठीक है, इट इज रियली वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज जो होता है ना बेटा, वेस्टेज गंदगी को कहा जाता है। आप कहेंगे इट इज रियली वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक टू यू, ठीक है, टू टॉक टू यू, वेस्टेज नहीं कहेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम, ये होता है वेस्ट मतलब ज्ञान, और ये जो वेस्टेज है ये कचरे को कहा जाता है। आपने सुना है वेस्टेज मटेरियल, कभी सुना है गंदगी, गंदगी वाला जो मटेरियल होता है जिसमें गंदगी हो तो उसको वेस्टेज कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? समझते जाएं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। हम समटाइम्स हो जाता है, हम असल में हम सुनते आ रहे हैं ना, जो चीजें वो हमारे दिमागों में अभी तक है, जो चीजें सुनते आ रहे हैं, तो हम कहते हैं इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ये वेस्टेज वाला जो फार्मूला है ये गलत है। बस अभी आपने समझ लिया ना एक दफा, वन टाइम, तो आपको आ गया, और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। वर्डों को
किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये सिमिलर वर्ड्स होंगे। चलें अब यहाँ पे आते हैं। मैंने तीन चार सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं जैसे आप लोगों को समझा सकूं, तो इसको मैं नीचे रखता हूं और इनमें से ये वाले में काट देता हूं। अब ऊपर वालों का हम डिस्कस करते हैं, इसका डिस्कस करते हैं जैसे आप लोगों को नजर भी आ जाए। अच्छा, आपने सुना होगा वेस्ट के बारे में, आपने सुना होगा वेस्ट के बारे में, हिज वेस्ट। यहाँ भी वेस्ट लिखा है, यहाँ भी वेस्ट लिखा है, यहाँ भी वेस्ट लिखा है, यहाँ वेस्टेज लिखा है मैंने। और इसके नीचे अगर हम आएंगे, अगर ये मैं सारी चीजें काट दूं, ये सारी चीजें काट दूं और इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जैसे आप लोगों को पता चले, ये भी हमने लिखा है वास्ट, ये भी वेस्ट लिखा है। तो इन वर्डों को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आपको हम बताएंगे। हाँ, वेस्ट में जाया कर रहा हूं। हाँ, कमर ए में बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा फोकस करें और देखें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि जैसे मैं आप लोगों को चीजें क्लियर कर सकूं। थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और मजा भी आएगा, तो देट विल बी इंटरेस्टिंग आई एम श्योर। ठीक है, चलें। अब यहाँ हमने कहा ही हैज वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना टाइम जाया किया है या कर चुका है। और ये जो वेस्टेज, ये कमर को हम कहते हैं कमर, ठीक है, ये कमर है आपकी। और ये वाली वेस्ट, इसमें इस तरह आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सिमिलर वर्ड्स आते हैं क्वाइट समटाइम्स ऑप्शन में, तो हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर वर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया, टाइम का भी जायन होता है, पैसे का भी, एनर्जी का भी, और इनको आप लगा सकते हैं। दिस इज वेस्टेज ऑफ, दिस इज वेस्टेज मटीरियल, गंदगी, कचरा, बता रहा हूँ आगे बता रहा हूँ, बिल्कुल सारा बताऊंगा। नीचे मैंने लिखे हैं, सारे मैंने लिखे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब आते हैं नीचे वाले वेस्ट का, और इसमें भी आप देखें ये वास्ट है, क्या है, वास्ट। अब हम कह रहे हैं थर्ड डिजर्ट इज वास्ट या चोलिस्तान डिजर्ट इज वास्ट, चोलिस्तान डिजर्ट इज वास्ट, ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा। उर्दू लिख रहे रहा हूं, लिखनी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद होता है ही हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड की जब हम बात करते हैं तो वेस्टेड का मतलब होता है हिडन इंटरेस्ट। अब ये वाला जो वास्ट है और ये वाला जो है, इस दोनों में फर्क है। इसमें हम हिडन को कहते हैं, कोई छुपे हुए लोगों के इंटरेस्ट होते हैं ना, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट आपने शायद नॉर्मली सुना हो, लोग बोलते हैं, हालांकि पेपर्स में भी आपको ये जरूर मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट, अमरीका है सम वेस्टेड इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, छुपे हुए हैं, उनको होते हैं, क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, हिडन, ठीक है, जिसमें उनका जो है अपना फवा वो हो, क्या कहते हैं आप, मकसद हो, कोई पर्पज हो, ठीक है, मोटिव हो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, ये भी बता दिया हमने, और उसके बाद हमने ये भी आपके साथ डिस्कस कर दिया, ये वेस्ट वाला मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद होता है वेस्ट जो मगरिब को हम कहते हैं ना, वो तो सबको आता है, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे बच्चों को काफी इश्यूज होते हैं जब मैं इस वर्ड की बात करूं। सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ बिट, बाइट, बिटिन, फिर हम बिट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये हम नॉर्मली गलत इस्तेमाल करते हैं, जहां पे बिट इस्तेमाल किया और यहाँ पे बाइट किया, यहाँ बिट नजर आएंगे, पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5-15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पीसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।